है मेन गेट का व्यू, मेरे बिल्कुल पीछे उपेंद्रनाथ वर्मा से। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? हाँ भाई, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जाने वाले हैं राजधानी में, कोकराझार में। वहाँ का व्यू दिखाएंगे, वहाँ पे मस्त नज़ारा है दिखाएंगे। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए, तो चलो अभी चलते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. तो फाइनली देख सकते हैं, हम लोग पहुंच गए कोकराझार राजधानी। और ये गेट है मेरे बिल्कुल पीछे, दिख रहा है राजधानी का गेट। इसका गेट का व्यू भी दिखाएंगे, उससे पहले ये साइड में कुछ पेंटिंग है, ये पेंटिंग को दिखाते हैं। वीडियो को देखते रहिए, पेंटिंग दिखाते हैं। अच्छा अच्छा पेंटिंग है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का व्यू भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ का पेंटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। क्या मस्त मस्त पेंटिंग बना है भाई, ओ भाई मज़ा आ गया भाई। ये पेंटिंग देखिए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वाओ। ये भी है पेंटिंग, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये पेंटिंग के ऊपर लिखा है सब, कौन सा कल्चर का है, इधर सब लिखा है। ये है मेन गेट जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। इसका व्यू दूर से थोड़ा अच्छी तरह से दिखाएंगे। ये देख सकते हैं मेन गेट का व्यू, देखिए कितना मस्त लग रहा है, ओ माय गॉड। इधर देखिए, बीच में कुछ पौधे लगाया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, हमको सिखा रहा है ये पौधों की वजह से, ये देखिए। और उस साइड में भी कुछ पेंटिंग है, उसमें भी क्या क्या कल्चर है सब लिखा हुआ है, उधर भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं बीच में से कुछ ऐसे पौधे लगाया है, जो कि जगह को ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। और ये साइड में देखिए, इस साइड में कुछ पेंटिंग है, दिखाते हैं चलिए। तो इधर देखिए, इधर का पेंटिंग कौन सा कल्चर का ये सब है, सब दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। इस साइड का पेंटिंग, दोनों साइड में पेंटिंग है जगह का खूबसूरत बनाने के लिए, देख सकते हैं। इधर पूरा लिखा हुआ है कौन सा कल्चर का मतलब है, ये सब इधर लिखा हुआ है। और यहाँ से व्यू ऐसा दिखता है, ये असम का है, इधर लिखा हुआ है, ये बोडोलैंड का है बोडो। तो ये इधर भी देख सकता है, ये गारो, सब कुछ इधर देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पेंटिंग भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत बनाया है भाई, मज़ा आ गया। इधर देखिए थोड़ा, इधर भी देख सकते हैं, बहुत मस्त मस्त पेंटिंग बनाया है। तो गाइस, बाहर का व्यू तो देख ही लिया, कितना मस्त लग रहा है भाई। और अंदर का व्यू भी दिखाएंगे, अभी अंदर जाएंगे क्योंकि अंदर यहाँ से जाते हैं हम लोग, यहाँ से जाएंगे अंदर, अंदर का व्यू भी दिखाएंगे। क्योंकि बाहर देख के तो मुझे बहुत मज़ा आया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं कैसा है नज़ारा, वहाँ का भी नज़ारा दिखाता हूँ कुछ। चलिए अभी अंदर जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग अंदर आ गया और अंदर का व्यू कुछ ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, ये बीच में से गाड़ी जाता है, कार वगैरह, और ये साइड से आदमी लोग जाता है। जैसे अभी हम लोग ब्लॉग बना रहा है तो साइड से बना रहा है। ये बीच में देखिए, ये बीच में ये लगा कि कितना खूबसूरत बना दिया इसको, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं, ये बीच में से गाड़ी जा रहा है, दोनों साइड में पौधे लगा दिए हैं खूबसूरत लगने के लिए। और आगे दिखाते हैं, आगे भी बहुत अच्छा अच्छा व्यू है, मस्त मस्त व्यू है, दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए हम लोग का साथ देखते रहिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का व्यू भी दिखाते हैं, आगे कितना मस्त मस्त नज़ारा है वो भी दिखाते रहते हैं। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मूर्ति है, ये हम लोग का यहाँ का बोडो लोग का कल्चर का मूर्ति है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर। यह है मेरा बिल्कुल पीछे,
आप लोग बताइए ये कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं भाई, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। हाँ भाई देखिए, और ये बीच में से कुछ फूल लगा दिया गया है ताकि और खूबसूरत देखे ये मूर्ति ठो। और आगे दिखाते हैं, आगे का व्यू भी दिखाते रहेंगे और आगे चलते हैं अभी। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पार्क जैसा है, लेकिन अभी अंदर नहीं घुस सकता क्योंकि ये ताला मरा हुआ है। ये शाम का टाइम में थोड़ा टाइम के लिए खोल देता है, यहाँ पे सब आदमी नहीं जा सकता है। यहाँ का जो एम्प्लॉय है या स्टाफ है वो लोग ही इसका अंदर जा सकता है, इधर हर कोई नहीं जा सकता है। यहाँ का ये बहुत ही एक फेमस जगह है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हम लोग पहले नहीं देखा था क्योंकि इतना मस्त व्यू बनाया है। पहले हम लोग जब आया था इतना खूबसूरत नहीं था, अभी तो इतना खूबसूरत बना दिया भाई, क्या बताऊं आप लोग को। इधर भी देखिए, थोड़ा आगे भी दिखाते हैं, उस साइड में भी दिखाते हैं कैसा है। इस साइड में भी देख सकते हैं, इस साइड से ऐसा दिखता है। ये है फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। तो फ्रंट साइड में कुछ ऐसा दिखता है, और सामने जो दिख रहा है वही गेट था, आप लोग को तो पहले ही दिखाया है। तो अभी देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे उपेंद्रनाथ वर्मा सर का मूर्ति है। ये बड़ोलैंड स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट थे और ये बहुत ज्ञानी मानी व्यक्ति थे, इसीलिए इनका मूर्ति बनाया गया। तो और इधर का व्यू भी थोड़ा दिखा दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ पार्क में कुछ बनाया है पानी का, जो रात में लाइटिंग वगैरह देने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और पानी ऐसे करके उछलता है तो अच्छा लगता है यहाँ का व्यू भी। और इसका पीछे देख सकते हैं ये असेंबली हाउस, ये राजधानी का असेंबली हाउस, जितना मीटिंग वगैरह होता है यहाँ पे होता है। तो इसका पीछे ये जो है नज़ारा, यही है असेंबली हाउस। और एंटर करते हैं यहाँ से, ये है मेन गेट, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी रहता है, कोई भी अनजान व्यक्ति को घुसने नहीं देता है। तो हम लोग तो घुस सकते हैं पर नहीं घुसेंगे अभी, फ़िलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग वीडियो ख़त्म करेंगे। तो इधर तो मेरी तरफ से जितना हो सके उतना तो आप लोग को दिखा दिया, बता दिया। तो और वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Till I get up, time is barely on our side.